हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास सिक्स के एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कुछ पार्ट दिए गए हैं, आप पहला फर्स्ट पार्ट देख लीजिए कि फैक्टर्स ऑफ 100। अब पहली चीज़ ये कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जिन नंबरों से कोई दिया गया नंबर डिवाइड हो जाता है, और जो वन होता है वो सभी नंबरों का फैक्टर होता है। ये बात याद रखने वाली है। तो सबसे पहले वन ही हमारा फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि वन से ये 100 जो है डिवाइड हो जाएगा। एक हमारा टू है, टू से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो टू से भी ये डिवाइड हो जाएगा। एक है हमारा फोर, फोर से भी जो है डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक संख्या होती है फाइव, कि अगर हम पाँच से इसको डिवाइड करें तब भी ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास टेन है, टेन से अगर हम डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद ट्वेंटी से भी ये डिवाइड हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव से भी ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्टी से ये डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट में अपने आप से। तो कोई भी नंबर हो वो एक तो वन से डिवाइड होगा ज़रूर, और एक अपने आप से भी डिवाइड होगा। यानी कि ये दो फैक्टर तो उसके आने ही आने हैं। जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं आपको इसी तरीके से उनके फैक्टर लिखने हैं कि किन किन नंबरों से वो जो है डिवाइड हो सकता है। इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये पार्ट दिया है जैसे आपको 11, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 11, यानी कि 11 के जो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हैं वो लिखेंगे। तो हमें करना क्या है, इस तरीके से लिखना है 11 इंटू 1 11, 11 इंटू 2 22, यानी कि हमें पूरी टेबल लिख देनी है 11 की। 11 इंटू 3 33, फिर 11 इंटू 4 44, या 11 इंटू 5 55 हो जाएगा, 11 इंटू 6 66 आ जाएगा, या फिर 11 इंटू 7 77, 11 इंटू 8 88, 11 इंटू 9 99, या 11 इंटू 10 110। तो हमारे पास जो 10 मल्टीपल्स आए वो ये हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। तो इसी तरीके से हमें ये लिखने हैं। तो बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं जैसे कि 13, तो आपको 13 के ऐसे ही करने हैं, 13 इंटू 1 13 इंटू 2, यानी कि 13 की पूरी टेबल लिख देनी है। ऐसे ही 15 और ऐसे ही 16। तो ये जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं ये आपको ऐसे ही कंप्लीट करने हैं।